नमस्कार साथियों, गुलेंद्र पटेल कविताओं का जन मंच की कविता जब बोलती है श्रृंखला की कड़ी में उपस्थित हूँ। कविता सुनने से पहले मैं प्रिय पथ प्रदर्शक आदरणीय देवेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। साथियों, कविता जब बोलती है तो उसके साथ साथ कवि का सामाजिक मन भी बोलता है, हृदय के शब्द भी बोलते हैं। कविता के बारे में हमारी पीढ़ी क्या सोचती है, हम कविता के बारे में क्या सोचते हैं, कविता से हमें कितनी उम्मीद है, या कि हमारी पीढ़ी को कविता से कितनी उम्मीद है, इस पर आज हम बातचीत नहीं करेंगे और कभी इस पर हम एक व्यवस्थित तरीके से उपस्थित होंगे। आज हम केवल कविताओं को ही सुनाएंगे, कविताओं अपनी कुछ चयन की हुई कविताओं का पाठ करेंगे। प्रिय साथियों, मेरी नजर में कविता आत्मा की औषधि है, आत्मा की औषधि है। कविता लोको उन्मुखी आत्मसंवाद है। साथियों, समय लेते हुए हम सीधे आते हैं, अपनी कुछ कविताओं से ही जुड़ते हैं। एक छोटी सी कविता है जिसका मैं कवितांश ही पढ़ूंगा, बीच के कुछ हिस्से। कविता कैसी होनी चाहिए, कविता कैसी होनी चाहिए। कविता राजनीति का सीधा अनुवाद नहीं होना चाहिए, नहीं वह रोजमर्रा की खबर होनी चाहिए। कविता हृदय की आंच पर पकी मन की बात होनी चाहिए, वह झूठे मुहावरे का प्रतिपक्ष रचने वाली लोकोक्ति होनी चाहिए, वह समय की तस्वीर होनी चाहिए, वह उम्मीद की किरण होनी चाहिए, वह नमक की तरह होनी चाहिए। कविता ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को मनोविकारों से मुक्त करे। धन्यवाद। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चोकर की लिट्टी। चोकर की लिट्टी, मेरे पुरखे जानवर के चाम छिलते थे, मेरे पुरखे जानवर के चाम छिलते थे, मगर मैं घास छिलता हूं, मगर मैं घास छिलता हूं। मैं दक्षिण टोले का आदमी हूं, मैं दक्षिण टोले का आदमी हूं। मेरे सिर पर चूल्हे की जलती हुई कंडी फेंकी गई, मगर मैंने जलन यह सोचकर बर्दाश्त कर ली कि यह मेरे पाप का फल है, शायद अग्निदेव का प्रसाद है। मेरे पुरखे जानवर के चाम छिलते थे, मगर मैं घास छिलता हूं। मैं दक्षिण टोले का आदमी हूं। मेरे सिर पर चूल्हे की जलती हुई कंडी फेंकी गई, मैंने जलन यह सोचकर बर्दाश्त कर ली कि शायद यह मेरे पाप का फल है, शायद अग्निदेव का प्रसाद है। मैं पतली रोटी नहीं, बगैर चोखे का चोकर का लिट्टी खाता हूँ। चपाती नहीं, चिपरी जैसी दिखती है मेरे घर की रोटी। मैं दक्षिण टोले का आदमी हूँ। मुझे हमेशा कोल्हू का बैल समझा गया, मैं जाति की बंजर जमीन जोतने के लिए जुल्म के जुए में जोता गया हूँ। मेरी जिंदगी देवताओं की दया का नाम है, देवताओं के वंशजों को मेरा सच झूठ लगता है। मैं दक्षिण टोले का आदमी। मुझे हमेशा कोल्हू का बैल समझा गया, मैं जाति की बंजर जमीन जोतने के लिए चूल्हे जुल्म के जुए में जोता गया हूँ। मेरी जिंदगी देवताओं की दया का नाम है, देवताओं के वंशजों को मेरा सच झूठ लगता है। मैं दक्षिण टोले का आदमी। मैं कैसे किसी देवता को न्योता दूं, मेरे घर न दाना है न पानी, न साग है न सब्जी, न गोईठी है न गैस। मुझे कुएं और धुएं के बीच सिर्फ धूल समझा जाता है, मुझे कुएं और धुएं के बीच सिर्फ धूल समझा जाता है।
पर मैं बहया का फूल हूँ। देवी देवता मुझे हालात का मारा और वक्त का हारा कहते हैं, मैं दक्षिण टोले का आदमी। देखो न देव देश के देव, देखो न देव देश के देव, मैं अब भी चोकर का लिट्टा गढ़ रहा हूँ, चोकर का रोट्टा ठोक रहा हूँ, क्या तुम इसे मेरी तरह ठूस सकते हो, क्या तुम इसे मेरी तरह ठूस सकते हो। मैं भाषा में अनंत आंखों की नमी हूँ, मैं दक्षिण टोले का आदमी हूँ। धन्यवाद। साथियों, मेरी अगली कविता का शीर्षक है पके हुए दुख। पके हुए दुख, मणिपुर की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कविता मैंने लिखी थी। उस समय घटनाएं उत्प्रेरक होती हैं, घटनाएं उत्प्रेरक होती हैं जो दुख की रचनात्मक क्रिया की गति को बढ़ाती हैं। पके हुए दुख कला में उस क्षण उतरते हैं जब कलाकार भीतर से द्रवित होता है। पके हुए दुख कला में उस वक्त उतरते हैं जब कलाकार भीतर से द्रवित होता है। अमानवीय घटनाएं संवेदनशील मनुष्य को झकझोरती हैं ताकि वह अत्याचार पर मौनव्रत सरकार से सवाल करे। वह ऐसी घटनाओं पर आवाज उठाए जो नफरत की राजनीति को जन्म देती हैं, जो मनुष्यता को शर्मसार करती हैं। यह देश के लिए दुखद है, यह देश के लिए दुखद है कि राज्य में ऐसी घटनाएं राजधानी की देन है, दुर्नीति दुर्निर्मिति है। शायद आए दिन ऐसी घटनाओं की खबरें देखकर मन बहुत दुखी है, जन दुखी मन कल का राज्य कैसे रचे, राष्ट्र कब रोता है, क्यों रोता है, देखो ना सुनो ना निर्वस्त्र नारियों का चीखना चिल्लाना चित्कारना चुकरना चिंघाड़ना सिसकना गरियाना गुर्राना वर्राना और दर्द की चुप्पी। इस रचना में राष्ट्र की रूह रो रही है ना, उनका दुख हमारा दुख है, हम उनके हैं वे हमारे हैं, हम उनके हैं वे हमारे हैं, हम उनके दुख को भाषा के हवाले कर रहे हैं क्योंकि भाषा से केंद्र की सत्ता तय होती है। धन्यवाद। साथियों, मेरी अगली कविता का शीर्षक है जोंक। जोंक, रोपनी जब करते हैं कर्षित किसान, रोपनी जब करते हैं कर्षित किसान, तब रक्त चूसती हैं जोंक, तब रक्त चूसती हैं जो चूहे फसल नहीं चरते, चूहे फसल नहीं चरते, फसल चरते हैं सांड और नीलगाय। चूहे तो बस संग्रह करते हैं गहरे गोदामी बिल में, टिड्डे पत्तियों के साथ पुरुषार्थ को चाड़ जाते हैं, आपस में युद्ध कर काले कौवे मक्का बाजरा बाट खाते हैं, प्यासी धूप पसीना पीती है खेत में जोक की भांति। अंत में अक्सर ही कर्ज के कच्चे खट्टे कायफल दिख जाते हैं सिवान के हरे पेड़ पर लटके हुए। इसे ही कभी कभी धोता है एक किसान सड़क से संसद तक की अपनी उड़ान में। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है थ्रेशर। थ्रेशर, थ्रेसर में कटा मजदूर का दायां हाथ देखकर ट्रैक्टर का मालिक मौन है और अन्य आत्मा दुखी। उसके साथियों की संवेदना समझा रही है किसान को कि रक्त तो भूसा सोख गया है किंतु गेहूं में हड्डियों के बुरादे और मांस के लोथड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। कराहता हुआ मन कुछ कहे तो बुरा मत मानना, कराहता हुआ मन कुछ कहे तो बुरा मत मानना, बातों के बोझ से दबा दिमाग बोलता है और बोल रहा है, न तर्क न तथ्य सिर्फ भावना है, दो के संवादों के बीच का सेतु, सत्य के सागर में नौका विहार करना कितना कठिन है किंतु हम कर रहे हैं। थ्रेशर पर पुनः चढ़कर
बुजुर्ग कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो फिर कुछ लोग रोटी से खेलते क्यों हैं? क्या उनके नाम भी रोटी पर लिखे होते हैं, जो हलक में उतरने से पहले ही छीन लेते हैं खेलने के लिए? बताओ ना दिल्ली के दादा, गेहूं की कटाई कब दोगे? धन्यवाद। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, बारिश के मौसम में ओस नहीं आंसू गिरता है। बारिश के मौसम में ओस नहीं आंसू गिरता है। एक किसान बारिश में बाएं हाथ में छाता थामे, दाएं में लाठी लिए मौन जा रहा था मेड़ पर। मेड़ बिछलहर थी, लड़खड़ाते संभलते अंततः गिरते ही देखा एक शब्द घास पर पड़ा है। उसने उठाया और पीछे खड़े कवि को दे दिया। उसने उठाया और पीछे खड़े कवि को दे दिया। कवि ने शब्द लेकर कविता दी और उस कविता को एक आलोचक को थमा दिया। आलोचक ने उसे कहानी कहकर पुनः किसान के पास पहुंचा दिया। उसने कहानी एक आचार्य को दी, आचार्य ने निबंध कहकर वापस लौटा दिया। अंत में उसने वह निबंध एक नेता को दिया, नेता ने भाषण समझकर जनता के बीच दिया। जनता रो रही है, किसान समझ गया यह आकाश से गिरा पूर्वजों का आंसू है, जो कभी इसी मेड़ पर भूख से तड़प कर मरे हैं। बारिश के मौसम में ओस नहीं आंसू गिरता है। धन्यवाद। एक कविता का शीर्षक है सुरंग। अभी उत्तरकाशी में सुरंग में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए थे, तो उन्हीं को समर्पित एक छोटी सी कविता है। हम कई दिनों से अंधेरे में धसे हैं, हम कई दिनों से अंधेरे में धसे हैं, राजनीति की रस्सी में कसे हैं। हम कई दिनों से अंधेरे में धसे हैं, लोकतंत्र की चक्रधिन्नी में लसे हैं, हम दशकों से लंबी सुरंग में फंसे हैं। हम कई दिनों से अंधेरे में धसे हैं, हम कब आएंगे इससे बाहर, हम कब आएंगे इससे बाहर, कब पहुंचेंगे सूरज के शहर, कब पाएंगे अपना चांद सुंदर, कब हमारी जिंदगी में उगेगा मुक्ति का स्वर। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है, मजदूर थक कर हो गए हैं चूर, मजदूर थक कर हो गए हैं चूर। मैं अपनी एक लुंगी पहनता हूं और एक ओढ़ता हूं, और उसी से बांधता हूं पगड़ी, जब उससे टपकता है श्रम का शहद और गमकती है जिंदगी की गंध, तब सब कहते हैं कि रब ने बनाया है मुझे मजदूरों का कवि, और मेरी कविता प्रस्तुत करती है शोषितों की छवि, जिसमें उन्हें हंसती हुई दिखाई देती है हाशिया पर खड़ी, हाशिए पर खड़ी नई पीढ़ी। मेरी जिंदगी की गंध, श्रम का शहद और गमकती है जिंदगी की गंध, तब सब कहते हैं कि रब ने बनाया है मुझे मजदूरों का कवि, और मेरी कविता प्रस्तुत करती है शोषितों की सभी, जिसमें उन्हें हंसती हुई दिखाई देती है हाशिए पर खड़ी नई पीढ़ी। अचानक उनकी दृष्टि की सृष्टि कंपित होती है, अचानक उनकी दृष्टि की सृष्टि कंपित होती है, और दीवार से फिसलने लगती है सीढ़ी, फिसलने वाले गाने लगते हैं कि हर बार फिसलने पर सहारा देती है शब्द की सत्ता, इस बार भी देगी निर्भयता से बांस की सड़ी सीढ़ी पर, कोई गिट्टी की भरी तगाड़ी, तो कोई बालू का झौवा लेकर चढ़ रहा है, कोई लोक रहा है तो कोई नीचे से ऊपर फेंक रहा है ईंट, कोई मिला रहा है अढ़ाई एक का मसाला, तो कोई करनी चला रहा है तेजी से, कोई बतिया रहा है शाहू सूत की भाषा में,
तो के खिसिया रहा है अपनी खिसाई होते देख कर, ढलाई हो रही है ताबड़तोड़। जी तोड़ काम करने के बाद एक मजदूर दुख की गठरी खोल रहा है, उसके चेहरे का रंग बोल रहा है कि मजदूरी कम देने के लिए कमर तोड़ दांव लगा रहे हैं साहब, सारे मजदूर थक कर हो गए हैं चूर, हिसाब हो रहा है, पगड़ी में पोंछ कर आंसू थाम रहे हैं पैसे, ऐसे लोगों का कैसे चलता है परिवार, जो रोज कुआं खोद कर पानी पीते हैं। क्या बताऊं क्या बताऊं कि उनके बच्चे अक्सर भूखे सोते हैं, तो साहब दे देंगे पैसे। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है हम मजदूर हैं। हम मजदूर हैं। पुल टूटा, पुल टूटता है दबते हैं हम, पुल टूटता है दबते हैं हम, पहाड़ खिसकता है दबते हैं हम, बांध टूटता है डूबते हैं हम, जंगल में आग लगती है जलते हैं हम, नदियां सड़कें होती हैं रोती हैं हमारी आंखें, हम अंधेरे में धसाई गई संज्ञाओं के सर्वनाम हैं, मौत के मुंह में दो वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम काम करना हमारी जिंदगी की पहली शर्त है, हम भूख और भय के बीच देश के अवाम हैं, हम भूख और भय के बीच देश के अवाम हैं, हम अंधेरे से बाहर आना चाहते हैं, हमें हमारे हिस्से की रोशनी चाहिए, हम देखना चाहते हैं अपने हिस्से के सूरज को जी भर, हम देखना चाहते हैं अपने हिस्से के चांद को जी भर, हमें मानवता के नाम श्रमदान करना है, हम मशीन नहीं हैं, हम एक दूसरे का हाथ होना चाहते हैं, हम सुरंगों के सवाल उनसे पूछना चाहते हैं जिनसे पुल पहाड़ बांध जंगल नदी व सड़क पूछ रही हैं अपने हक के बारे में, जबकि इस वक्त अपने हक के बारे में पूछना उनके खिलाफ होना है, हम मजदूर हैं, जबकि इस वक्त अपने हक के बारे में पूछना उनके खिलाफ होना है, हम मजदूर हैं। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है मटर मुर्री। मटर मुर्री। साथियों, मटर मुर्री पत्थर की करेजी को कहा जाता है, यानी कि जो पहाड़ी मजदूर होते हैं, पहाड़ में काम करते हैं, तो पहाड़ों की कुछ मुलायम पत्थर जो होती हैं उसे करेजी कहते हैं, वो खाने में थोड़ा सोनपन लगता है, जैसे कि कुछ लोग चूल्हे की मिट्टी भी खाते हैं या थपुआ वगैरह घिस कर खाते हैं, खास करके जो बूढ़ी औरतें होती हैं वे लोग अक्सर खाती हैं, तो उसी को आधार बनाकर मैंने एक कविता लिखी है मटर मुर्गी। कुछ आदतन मिट्टी खाते हैं, कुछ भूख की वजह से, पर मैंने खाया है खपड़ा और पत्थर, पहाड़ का हाड़ नहीं, पहाड़ का हाड़ नहीं, हृदय भुना हूँ आलू समझकर, मेरी बूढ़ी पहाड़ी सखी के चेहरे की झुर्री बता रही है कि वह भी खाई है मटर मुर्री। भूख, भूख सुख का सीढ़ा नहीं बल्कि पीड़ा पीने पर मजबूर करती है पेट की आग, अच्छी चाशनी के लिए होती है नफरत की नजर थोड़ा सा डर, रोज का राग कड़ाही में खोलते पानी की चीख है, दर्द पर दया 21वीं सदी में भीख है जो नहीं चाहिए मुझे, रोज का राग कड़ाही में खोलते पानी की चीख है, दर्द पर दया 21वीं सदी में भीख है जो नहीं चाहिए मुझे, मना स्थिति मजदूर की जानने के लिए 30 की टेलीपैथी टकराई है फेफड़े में सांस से, बुरी चोट लगी सांस धमनियों में सिसक रही है, मवाद मस्तिष्क की भाषा में मानवता की परिभाषा गढ़ रहा है और चढ़ रहा है चूल्हे पर शब्द पर, मेरी कविता थपुआ पीस रही है और खिस रही है सिल पर दिल, साथ
साहब, शोक का समय निर्दयी होता है, जिंदगी को जोता है दुख, उख चू रहे हैं आप, जिस मिट्टी की मिठास है उसमें उसे खाता हूं रोज, मिट्टी खाना मेरी आदत नहीं बल्कि विधि के विवेक की उपज है कि मेरे हिस्से का अन्य खा रहे हैं और चुपचाप ताप रहा हूं कि भूख से मरने वालों की चिता पर जर्जर जर्जर की जिजीविषा जिंदा है। मैंने मृत्यु के दर्शन से जाना, खाना न खाने का दंश, मैंने मृत्यु के दर्शन से जाना, खाना न खाने का दंश, मेरा वंश सदियों से सह रहा है और कह रहा है, और वह कह रहा है कि रूह से रिश्ता रखना अच्छा है। आंखें रिस रही हैं, पकी उम्र पल्लू से पोंछ रही है, आह आज खा रही है राखी मेरी सखी, कहीं उड़ न जाए प्राण रूपी पाखी, भय के भवन में मौन टूटा छूटा तन, हे सज्जन मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं। धन्यवाद। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मेरा दुख मेरा दीपक है, मेरा दुख मेरा दीपक। इस कविता का उपशीर्षक है पहले माँ फिर बेटा। जब मैं अपने माँ के गर्भ में था, जब मैं अपने माँ के गर्भ में था, वह ढोती रही ईंट, जब मेरा जन्म हुआ वह ढोती रही ईंट, जब मैं दुधमुहा शिशु था वह अपनी पीठ पर मुझे और सर पर ढोती रही ईंट। मेरी माँ माईपन का महाकाव्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका बेटा हूं। मेरी माँ लोहे की बनी है, मेरी माँ की देह से श्रम संस्कृति के दोहे फूटे हैं, उसके पसीने और आंसू के संगम पर ईंट गारे गिट्टी पत्थर कोयला सोयला लोहा लक्कड़ लकड़ी सकड़ी के स्वर सुनाई देते हैं। मेरी माँ के पैरों की फटी बिवाइयों से पीव नहीं प्रगीत बहता है, मेरी माँ के पैरों की फटी बिवाइयों से पीव नहीं प्रगीत बहता है, मेरी माँ की खुरदरी हथेलियों का हुनर गोईठा गोहरा की सपासी छपासी कला में देखा जा सकता है, मेरी माँ की खुरदरी हथेलियों का हुनर गोईठा गोहरा की छपासी कला में देखा जा सकता है, मेरी माँ धूल धुएं और कुएं की पहचान है, मेरी माँ धरती नदी और गाय का गान है, मेरी माँ भूख की भाषा है, मेरी माँ मनुष्यता की मिट्टी की परिभाषा है, मेरी माँ मेरी उम्मीद है, मेरी माँ मेरी उम्मीद है। चढ़ते हुए घाम में चाम जल रहा है उसका, वह ईंट ढो रही है, उसके विरुद्ध झुलस आती हुई लू नहीं अग्नि की आंधी चल रही है, उसके विरुद्ध झुलसाती हुई लू नहीं अग्नि की आंधी चल रही है, वह सुबह से शाम अविराम काम कर रही है, उसे कभी अभी उसे अभी खेतों की निराई गुड़ाई करनी है, वह थक कर चूर है लेकिन उसे आधी रात तक चौका बर्तन करना है, मेरे लिए रोटी पोनी है चिरई बनानी है क्योंकि वह मजदूर है, क्योंकि वह मजदूर है। अब माँ की जगह मैं ढोता हूँ ईंट, कभी भट्टे पर कभी मंडी का मजदूर बनकर शहर में, और कभी कभी पहाड़ों में पत्थर भी तोड़ता हूँ, काटता हूँ बोल्डर बड़ा बड़ा, मैं गुरु हथौड़ा ही नहीं घन चलाता हूँ खड़ा खड़ा, ताकि और चकधारे के बीच मुझे मेरा समय नजर आता है, मैं करनी वशली साहुल छूता रूसा पाटा से संवाद करता हूँ और मेरे और अंधेरे में खुद बरता हूँ, दुख मेरा दीपक। मैं मजदूर का बच्चा हूँ, मैं मजदूर का बच्चा हूँ, मजदूर के बच्चे बचपन में ही बड़े हो जाते हैं, वे बूढ़ों की तरह सोचते हैं, उनकी बातें भयानक कसक
की कोख से जन्म लेती हैं, क्योंकि उनकी माएं उनके मालिक की किताबों के पन्ने पर उनका मल फेंकती हैं और उनके बीज की कविता सत्ता का प्रतिपक्ष रचती है। मेरी माँ अब वही कविता बन गई है, मेरी माँ अब वही कविता बन गई है जो दुनिया की जरूरत है। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है भोजन पानी। भोजन पानी, यह कविता मैंने बाबा नागा अर्जुन जी से संवाद करते हुए लिखी थी। उनकी एक कविता है अकाल और उसके बाद। मैंने देखा है चूल्हे को रोते हुए, मैंने देखा है चूल्हे को रोते हुए, मैंने देखा है उसके पास कानी कुतिया को सोते हुए, मैंने सुना है बर्तनों को बतियाते हुए, मैंने सुना है भूखे पेट को गाते हुए। आंखों में अधन को मैंने देखा है, आंखों में अधन को मैंने देखा है, भोजन के बदले पानी का चयन मैंने देखा है, चौके से तवे का संवाद मैंने सुना है, कौओं से आग का राग मैंने सुना है। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है उम्मीद की उपज। उम्मीद की उपज, उठो वत्स, भोर से ही जिंदगी का बोझ ढोना किसान होने की पहली शर्त है। उठो वत्स, भोर से ही जिंदगी का बोझ ढोना किसान होने की पहली शर्त है, धान उगा, प्राण उगा, मुस्कान उगी, पहचान उगी, और उग रही उम्मीद की किरण सुबह सुबह हमारे छोटे हो रहे खेत से। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है खर जूतिया पूजन। खर जूतिया पूजन, खर जूतिया पूजन, एक माँ की स्मृति जीवित होती है जीवित पुत्रिका व्रत से। अनंत दुआएं द्वार पर आती हैं, सभी संतानें सांपों से बच जाती हैं मुश्किल सफर में, विषम समय का बिख शोख लेता है सुर, गांव दर गांव गूंजता है तुर। जब जगत पर टिमटिमाते जुगनुओं की रोशनी में अढ़ाई अक्षरों के प्रेम पत्र को पढ़ती हैं किशोरियां, किलकारियों के कचकचाहटी स्वर में गाती हैं कजरियां। जगत पर टिमटिमाते जुगनुओं की रोशनी में अढ़ाई अक्षरों के प्रेम पत्र को पढ़ती हैं किशोरियां, किलकारियों के कचराहटी स्वर में गाती हैं कचकचाहटी स्वर में गाती हैं कजरियां। सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत है हवा के होठों पर, ए सखी सृष्टि में फूल मरता है पर उसका सौरभ नहीं। कलियां कंठों कंठ कानों कान सुनती रहती हैं भ्रमरियों के गुनगुनाहट और आहत तन मन की आहट, मसलन जीवन का राग नया अनुराग नया। बाहर धूल भीतर रेत है, अंधेरी आंधियों में मणियों का मौन चमकना साप शापिन के संयोग का संकेत है, ओशों से बुझ रही है घास की प्यास, साथ छोड़ रहा है विश्वास पर पेड़ को पता है, पत्तियों के पेट में जाग रही है भूख, कहीं नहीं है सूख, सूख रहा है ऊख। आश्विन कृष्णा अष्टमी को जिमित वाहन जन्नत का वास छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं, गरुड़ गगन गंगा में मलयावती के साथ नौका विहार करते हैं, जहां ढेर सारे किसान बादल राग गाते हैं, नयन नीर की नदियों में शांति है पर आंखों में क्रांति है, पर आंखों में क्रांति है, लालिमा बढ़ रही है, टूट रहा है विश्वास, रोस के रस से लबालब भरा है गिलास, गर्भवती अनुभूतियां जन्म दे रही है स्मृतियों को, जिन्हें जूतिया माई अमरता का आशीर्वाद दे रही हैं। स्मृतियों के जीवित रहने से मनुष्यता जीवित रहती है,
खैर, यह कोरोना के विरुद्ध 36 घंटों का महासंकल्प है। इस वाया वर्ष में प्रेम में नजदीकियों को नहीं, दूरियों के तनाव को स्वीकार किया है। इस वायरस वर्ष ने प्रेम में नजदीकियों को नहीं, दूरियों के तनाव को स्वीकार किया है। इस वर्ष से दोस्ती में दरार पड़ती है, इस वर्ष से दोस्ती में दरार पड़ रही है। कच्ची उम्र की बुभुक्षा लड़ रही है। पर्व को प्रवाह नहीं, किसी के जीवन से मृत्यु नहीं रुकती है, किसी के रोकने से नहीं रुकती है। कभी कभी खुद से दूरियां बढ़ने से, दूरियों के बढ़ने से मन खिन्न है। गवई शब्द मृत्यु की गंध को सूंघ रहे हैं। मरने से पहले एकत्र होकर एक ही अगरबत्ती के धुएं को फेफड़े तक पहुंचा रहे हैं। डर के विरुद्ध व्रतधारिन बूढ़ी औरतें नई नवेली बहुओं को उपदेश दे रही हैं कि उज्जवल भविष्य की उम्मीद है। उपवास चिल्होर था या उल्लू फुसफुसा रही है भीड़। चिल्होर था या उल्लू फुसफुसा रही है भीड़। परात का प्रसाद लौट रहा है चूल्हे के पास। बच्चे हैं कि गुजिया आज ही खाना चाहते हैं। खर वृद्धानिन समझा रही हैं। जुतिया माई रात भर खइहन हम सब सवेरे। प्रसाद बसियाने पर शीघ्र शक्ति प्रदान करता है वत्स। बच्चे कह रहे हैं माई हमारे हिस्सा हमें दे दे। बच्चे कह रहे हैं माई हमारा हिस्सा हमें दे दे, ना ही तरतिया में जुतिया माई कुल खा जइहन। आज शायद ही छोटे बच्चे सो पाएंगे ठीक से। व्रत की बात हट रही है लीक से। यह लोक पर्व मातृशक्ति की तपस्या है। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है गरेड़िया। गरेड़िया, एक गरेड़िए के इशारे पर खेत की फसलें चर रही हैं भेड़ों के साथ। मेड़ पर वह भयभीत है, पर उसकी आंखें खुली ताक रही हैं दूर, बहुत दूर, दिल्ली की ओर। घर पर बैठे खेतिहर के मन में एक ही प्रश्न है, इस बार क्या होगा। हर वर्ष मेरी मचान उड़ जाती है आधियों में, बीजकों का पता नहीं चलता और मेरे हिस्से का हर्ष नहीं रहता मेरे हृदय में। क्या इसीलिए कि मैं हलधर हूं। भेड़ हाँकना आसान नहीं है हलधर। हिर्र हिर्र होरना बाबा बाएं ताएं चिल्लाते क्यों हूं। तुम्हारे नाधे बैले समझदार हैं, मेरी भेड़ें भूल जाती हैं अपनी राह। मैं हाक रहा हूं सही दिशा में, मुझे चलने दो। गुरु मैं गरेड़िया हूं भारत का। धन्यवाद। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रोपन हारिन माँ, यानी जो बरहानिन माँ रोपनी करती हैं उनकी ये कविता है। रोपन हारिन माँ, जब आकाश से गिरते हैं पूर्वजों के संचित आंसू, तब खेतिहर करते हैं मजबूत अपनी मेड़। मेड़ तो मजबूत नहीं हुई, पर फर्शी फर्शा लाठी लाठा झोटी झोटा मारी मारा उठा पटक अंत में थाने। रोपनी के समय रोटी के लिए जब संडा कबारते हैं मजदूर, तब रक्त चूसती हैं जो दोहरे दोही दलित दुबली पतली देह थक कर विश्राम जब करती हैं बिस्तर पर, तब शेष सोड़ी खटमल। मेड़ पर सोए शिशु को चूटे काट रहे हैं, चूटियां काट रही हैं, चीख सुन रहे हैं मालिक मौन। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन है। मजदूरनी माँ कहती है शांत रह लल्ला, अभी एक पैड़ा और बचा है, रोप लेने दे। बच्चे के पास पहुंचा तो देखा एक दुड़हा दो तीन बिच्छू में और एक केकड़ा
थोड़ी दूरी पर हैं। पैर में काट लिया है बर्रा। मैं शिशु को घिन्नाते घिन्नाते उठाया, क्योंकि वह अपने मल मूत्र से तरबतर था। तुरंत बर्रों के मंत्रों का पाठ किया, फिर अपनी चाची को बुलाया। बिच्छू झाड़ी फूकी, चमरौटी से बुलाया बुढ़ू दादा को, जो डुढ़ा ढाड़ते फूकते हैं, सांप झाड़ते हैं, वे हर तरह के कीड़ा झाड़ते हैं, जैसे सांप, करई, गूंगी, वडुढ़ा इत्यादि। बिच्छू डुढ़ा तो तसल्ली के लिए झाड़ा गया। गांव में सभी को पता है कि मैं कुछ मंत्र जानता हूँ, जैसे वर्र, भवतुआ, थनई, नजर, वरिघ्नि इत्यादि। सीखा तो बिच्छू सांप का भी था, पर उसे तभी भूल गया जब विज्ञान का विद्यार्थी था। जो स्मृति में जीवित है उसे भी भूल गया हूँ। ऐसा कहता हूँ सभी से, मंत्रों से आंखें कचकचाई हैं, होठों की हंसी हृदय में हर्ष हराई है, फूकने पर केश लहराए हैं, कर्षित कली की मेड़ पर आज मुझे लग रहा है मंत्र सीखना सार्थक रहा। हे समय, इस महामारी में मंत्र से मेडिकल तक की यात्रा जारी है, पर यह यात्रा कब रुकेगी, कब रुकेगी, कब रुकेगी। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है लकड़हारिन। लकड़हारिन उप शीर्षक है बचपन से बुढ़ापे तक बांस। बचपन से बुढ़ापे तक मांस। तवा ततष्ट है, चूल्हा उदास, पटरियों पर बिखर गया है बात। कूड़ेदान में रोती है रोटी, भूख नोचती है आंख, पेट ताक रहा है गैर का पैर। खैर, जनतंत्र के जंगल में एक लड़की बीन रही है लकड़ी, जहां अक्सर भूखे होते हैं हिंसक और खुखार जानवर, यहां तक कि राष्ट्रीय पशु बाघ भी। हवा तेज चलती है, पत्तियां गिरती हैं नीचे, जिसमें छुपे होते हैं सांप, बिच्छू, गोजर। जरा सी खड़खड़ाहट से कांप जाती है रूह, हाथ से जब जब उठाती है वह लड़की लकड़ी, मैं डर जाता हूं। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है मूर्तिकारिन। मूर्तिकारिन राज मंदिरों के महात्माओं, मौन मूर्तिकार की स्त्री हूँ। समय की शेनी हथौड़ी से स्वयं को गढ़ रही हूँ। चुप्पी तोड़ रही है चिंगारी, सूरज को लगा है ग्रहण। लालटेनों के तेल खत्म हो गए हैं, चारों ओर अंधेरा है। घर रहे हैं हर शहर, समुद्र की तूफानी हवा आ गई है गांव। दिए बुझ रहे हैं तेजी से, मड़ी निगल रहे हैं साथ, और आम चीख चली दिल्ली। धन्यवाद। एक बाल कविता है, बाल कविता, हरियाली विहीन देश। वह देश हरियाली विहीन जंगल है बच्चों, जहां की सरकार शेरनी है और न्याय शेर। वह देश हरियाली विहीन जंगल है बच्चों, जहां अधिकार मांगने वाली जनता विषहीन बिरनी है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है और हिरनी है। वह देश हरियाली विहीन जंगल है बच्चों, जहां नदी सड़क है और पहाड़ पोखरा। वह देश हरियाली विहीन जंगल है बच्चों, जहां हर घर प्लास्टिक के पेड़ पाए जाते हैं। वह देश हरियाली विहीन जंगल है बच्चों, जहां एक पौधा रोपते हुए कई बुद्धिजीवी तस्वीर खिंचाते हैं। वह देश हरियाली विहीन जंगल है बच्चों, जहां पंख के लिए पानी नहीं है और नहीं चौपायों के लिए चारा। वह देश हरियाली विहीन जंगल है बच्चों, जहां हर 5 साल पर गुजता है मानवता का नारा। धन्यवाद। प्यारे साथियों, ये मैंने कुछ कविताएं चुनी थी आप लोगों को सुनाने के लिए। और संध्या भी हो चुकी है, गोधिल बेला में हम लोग बैठे हैं, तो अब हम चाह रहे हैं कि आप लोग जैसा बताएं वैसा हम करें, क्योंकि कविताएं तो मेरे पास बहुत सारी हैं। 10 मिनट का मुझे समय मिला था, लेकिन मैंने
लगभग देख रहे हैं कि लाइव में 40 मिनट हम आपके साथ बने रहे हैं। सतियों, एक कविता है, लंबी कविता है, करीबन 70-80 पेज की है, दुख दर्शन। दुख दर्शन, उसी से मैं कुछ सुना दे रहा हूँ। प्रारंभिक कुछ खंड, छोटे छोटे खंड में है, फिर उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा। कभी कभी दुख आदमी को मांझने के बहाने इतना घिस देता है कि आदमी का मन घवैल हो जाता है और हृदय हहरा उठता है। दुख दुख, तुम आदमी को इतना मत रगड़ो कि उसकी रूह कांप जाए। अगला खंड है, दुख पर लिखी कविता दुख से छोटी होती है। दुख पर लिखी कविता दुख से छोटी होती है, भले ही उसके भावार्थ में पूरी भू है। मैं मानता हूं कि दुख आदमी के साहस से छोटा होता है, कि दुख आदमी के साहस से छोटा है, पर वह एक समय के बाद साहस को निगल जाता है। वह आदमी को तोड़ता है जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर। दुख की खेती भूमि पर नहीं, भाषा में होती है। दुख भाषा में आशा का जनक है, असह्य संवेदन से उपजी पंक्ति। पका हुआ दुख दीपक है, उसका जीवन जन्म से मृत्यु तक है। अंधेरे में अर्थी के उठने पर, यह पांचवा खंड है, अंधेरे में अर्थी के उठने पर दुख का आयतन कम होता है, अर्थात मृत्यु का दुख अपने अर्थ में सिकुड़ जाता है। छठा खंड, एक दुख देखता है मुझे, एक दुख देखता है मुझे, एक दुख को देखता हूं मैं, मेरा दुख उस दुख का निवारण है। धन्यवाद। सातवां खंड है, महान दुख, महान दुख सुख का पीछा नहीं करता है, महान दुख सुख का पीछा नहीं करता है, सुख महान दुख का पीछा करता है ताकि वह अमर हो सके। धन्यवाद। आठवां खंड है, दुख व्यक्तित्व को निखारता है, वह उसे व्यष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख करता है। दुख का जीवन में होना सुखद है, दुख का जीवन में होना सुखद है। धन्यवाद। नवा खंड है, दुख दर्पण है पर उसमें आदमी नहीं आदमियत नजर आती है, उसमें आदमी नहीं आदमियत नजर आती है, वह आदमी को शांति और मुक्ति दोनों देता है, उसका स्वाद सुख से अच्छा है। दुख अपने स्वभाव में पानी की तरह रचनात्मक है, दुख अपने स्वभाव में पानी की तरह रचनात्मक है। दसवां खंड, दुधमोही के दिन दुख आदमी के चेहरे पर दिखता है, और जो किसी भी तरह का दुख दिखता है उससे ईश्वर डरता है, क्योंकि वह दुख एक सेतु है, क्योंकि दुख एक सेतु है। ग्यारहवां खंड है, ईश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य भव सागर के पार जाए, ईश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य भव सागर के पार जाए, वह स्मृति विहीन समय में ताकतवर होता है। उसे पता है कि मनुष्य का दुख उसके खिलाफ खड़ा होने में सक्षम है। धन्यवाद। बारहवां खंड है, विधवाएं दुख का रंग सफेद बताती हैं, विधवाएं दुख का रंग सफेद बताती हैं, सधवाएं दुख का रंग नीला बताती हैं, धरती दुख का रंग लाल बताती है, नदी दुख का रंग काला बताती है, जंगल दुख का रंग पीला बताता है। मतलब दुख के कई रंग हैं, दुख के कई रंग हैं। धन्यवाद। तेरहवां खंड है, दुख की इकाई मौन नहीं अभिव्यंजना है, दुख की इकाई मौन नहीं अभिव्यंजना है, दुख शब्दों को जगाता है और शब्द आदमी को, दुख आदमी से आदमी को जोड़ता है, यह उसकी तासीर है। बहरहाल महान दुख प्रेम की पीर है।
बहरहाल महान दुख प्रेम की पीर है। 14वां खंड जीवन में सुख से डर है, जीवन में सुख से डर है, अनहोनी अनुताप अध्याय अफसोस अवसाद अशांति उदासी कोप क्लेश कष्ट कषक खेद गम ग्लानी तकलीफ दुख खावन दर्द दुर्भाग्य पीड़ा परेशानी मातम यातना रोग रंज व्यथा व्यथित वेदना विपदा विपत्ति शोक संताप व संदेह आदि जब उपस्थित हों तब समझ लेना चाहिए कि कोई आत्मी दुख अपने चरम पर है। 15वां दुख इस संसार को बचाता है, दुख इस संसार को बचाता है। मैं सुन रहा हूं दुख में दूसरे के दुख का स्वर, मैं सुन रहा हूं दुख में दूसरे के दुख का स्वर, मैं सुन रहा हूं अपने दुख का अंतहीन काल राग, मैं सुन रहा हूं दुख की अजस्रता मानवीय आवाज। वास्तविक स्वाभाविक व सहज दुख काव्यात्मक होता है, वास्तविक स्वाभाविक व सहज दुख काव्यात्मक होता है। दुख सुख की प्रकाशता है, दुख में मुझे परम आनंद मिलता है, वह मेरा दिशा बोधक है, वह मेरा दिशा बोधक है और मेरी चेतना का चिराग। दुख की गमगाथा अनुभूति की गहराई में अभिव्यक्ति की ऊंचाई है, यह कैसी सच्चाई है इस जीवन की। आह संवेदना समय के शब्द समाधिस्त हैं, असंवेदना समय के शब्द समाधिस्त हैं, मगर मैं दुख पाठ कर रहा हूं, मैं दुख खोरों से दूर दुख पाठ कर रहा हूं। धन्यवाद। 16वां है दुख पीड़ा में पककर ढल जाता है मन चाहे आकार में, जैसे कोई लोहा अग्नि में तपकर। दुख पीड़ा में पककर ढल जाता है मन चाहे आकार में, जैसे कोई लोहा अग्नि में तप। उधार के मुंह बांच रहे हैं दुखी होना देश के खिलाफ। दुख जो सवाल करता है उसे देखने के लिए दृष्टि ऊंची करनी पड़ती है। दुख हुनर को तलाश कर तरासता है निरंतर, वह जख्मी आत्मा का सुख चिंतक। दुख हुनर को तलाश कर तरासता है निरंतर, वह जख्मी आत्मा का सुख चिंतक है। 17वां खंड है भीतर भीतर ध्वनित होता अंतर जाती दुख बाहर सुनाई पड़ता है, जो संगीत के रूप में ऐसे कि जैसे वह परम सत्य है, वह शून्य पर सवार आदमी को समाजसेवी बना देता है, वह आक्रोश की भाषा पसंद करता है, वह मनुष्यता का संसार चाहता है। इस वक्त उसको बाजार की चीज बनाई जा रही है, इस वक्त उसको बाजार की चीज बनाई जा रही है, उसकी प्रदर्शन प्रतियोगिता जारी है, वह सोशल मीडिया पर, इसलिए वह अन्याय को देखकर चुप है जो कि दुखद है। इस वक्त उसको बाजार की चीज बनाई जा रही है, उसकी प्रदर्शन प्रतियोगिता जारी है सोशल मीडिया पर, इसलिए वह अन्याय को देखकर चुप है जो कि दुखद है, जो कि दुखद है। 18वां खंड है वह जो भाषा में इंसान है उसने कहा राजन मेरी पीड़ा भूमि प्रजा की जवान। वह जो भाषा में इंसान है उसने कहा राजन मेरी पीड़ा भूमि प्रजा की जवान है, मेरा दुख मेरा नायक है, मैं नहीं। 19वां खंड है पुरुष अपना दुख शब्दों में बांट देता है, पुरुष अपना दुख शब्दों में बांट देता है और स्त्री अपने दुख को बांटने के लिए किसी को खोजती है, इसलिए वह दुखी रहती है जीवन भर।
पुरुष अपना दुख शब्दों में बांट देता है, वह और स्त्री अपने दुख को बांटने के लिए किसी को खोजती है, इसलिए वह दुखी रहती है जीवन भर। 20वां खंड है, इस बात से हम सहमत हैं कि स्त्री के पास पुरुष से अधिक दुख है, क्योंकि वह दुख में दूसरे का हाथ बटाती है, उसे दुख बांटने की कला नहीं आती। वह दुख में दूसरे का हाथ बटाती है, उसे दुख बांटने की कला नहीं आती। 21वां खंड है, भले ही स्त्री पुरुष से अधिक रोती है, पर सच यह है कि स्त्री अपने दुख को पुरुष के तुलना में अधिक छुपाती है। स्त्री के दुख को समझना पुरुष के लिए कठिन है, और यह बताना भी कि एक जवान स्त्री के लिए यह कितना दुखद है, वह कितना दुखद दिन है जिस दिन उसका पति मर जाता है। स्त्री के दुख को समझना पुरुष के लिए कठिन है, और यह बताना भी कि एक जवान स्त्री के लिए वह कितना दुखद दिन है जिस दिन उसका पति मर जाता है। धन्यवाद। 22वां खंड है, इस नई सदी में वे कहां जानते हैं, क्या है दुख तो है पेड़ों को बौरों के मुरझाने का, दुख तो है बौरों को कलियों के सूख जाने का। इस नई सदी में वे कहां जानते हैं, क्या है दुख तो है पेड़ों को बौरों के मुरझाने का, दुख तो है भौरों को कलियों के सूख जाने का। पहाड़ से दुख की आवाजों को समझ पाने का हुनर नदी, पहाड़ के पहाड़ से दुख की आवाजों को समझ पाने का हुनर नदी। धन्यवाद। 23वां खंड है, दिल का दुख दिमाग में गेय, यानी गाने दो, दिल का दुख दिमाग में गेय है, वह पलक झपकाते ही मंजिल पर जा ठहरता है, वह जिंदगी के सफर का पाथेय। धन्यवाद। 24वां खंड है, आजकल जिनसे सुख की अपेक्षा की जाती है अक्सर वे दुख लेते हैं। आजकल जिनसे सुख की अपेक्षा की जाती है अक्सर वे दुख लेते हैं। धन्यवाद। 25वां खंड है, दुख को हम भूल जाते हैं पर दुख हमें नहीं भूलता है, दुख को हम भूल जाते हैं पर दुख हमें नहीं भूलता है, जब भी दारुण दुख ख्याल आता है, नया दुख गाता है कि नए भावों की अभिव्यक्ति का आधार है पुराना, नए भावों की अभिव्यक्ति का आधार है पुराना। धन्यवाद। 26वां खंड है, दुख जीत लेता है दुनिया का दिल, दुख बहुत कुछ करता है, बस शोर नहीं करता, काश कोई दुख दिवस होता, काश कोई दुख दिवस होता, उसके आते ही दुख हम पर हंसता कि हम दुखी क्यों नहीं है। दुख हमें एक करता है भाषा में, क्योंकि दुख जीवन का भरोसा है, विश्वास है। पुनः देखिए, दुख जीत लेता है दुनिया का दुख, दुख बहुत कुछ करता है, शोर नहीं करता, काश कोई दुख दिवस होता, उसके आते ही दुख हम पर हंसता कि हम दुखी क्यों नहीं है। दुख हमें एक करता है भाषा में, क्योंकि दुख जीवन का भरोसा है, विश्वास। 27वां, दुख का दुखांत नहीं होता,
दुख को समझने से जिंदगी दुखांतिका होने से बच जाती है। दुख को समझने से जिंदगी दुखांतिका होने से बच जाती है और दुख की दृष्टि में दुनिया दुखमय नहीं होती है, कोई दुखड़ा नहीं होता है। दुख एक ताजी चीज है, दुख एक ताजी चीज है। 28वां खंड है, दुख धीरे धीरे स्वतः सत जाता है, उसे साधा नहीं जाता। दुख साध नहीं साधन है। क्या खूब प्रसन्न मन है, क्या खूब प्रसन्न मन है। दुख धीरे धीरे स्वतः सत जाता है, उसे साधा नहीं जाता। दुख साध नहीं साधन है। क्या खूब प्रसन्न मन है। दुख को लीख कर दुख से सीख कर जीने की कला। 21वां खंड है, 21वां खंड है, दुख दृष्टा है, दुख सृष्टा है, दुख भंजक, दुख दुख की दवा है, दुख सुख की पुनर्गवा है, दुख कसौटी, सुख की जीवन। दुख एक तीसरा खंड है, दुख मनुष्य का सबसे विश्वसनीय दोस्त है। दुख के बिना सुख का उदय ही अस्त है। दुख और गम के बीच कुछ कुछ वैसा ही संबंध है जैसा दूध मोही और गमी के बीच। 32वां खंड है, दुख का गम हो जाना, दुख का गम हो जाना, दुख का गम हो जाना दुख की परिधि को कम करना, दुख की परिधि को कम करना। 23वां खंड है, कम खाना और गम खाना, कम खाना और गम खाना सिर्फ उद्देश्य नहीं उस जाति का सच भी है जो दुख को गम से जोड़ने के खिलाफ है। दुख दर्शन की एक शाखा दुखवाद, दुख दर्शन की एक शाखा दुखवाद है, दूसरी शाखा उम्मीद की राह से गुजरती है। दुख जिंदगी का नाम है। देखिए, कम खाना और गम खाना सिर्फ उद्देश्य नहीं दुख की परिधि को कम करना है उस जाति का सच भी है जो दुख को गम से जोड़ने के खिलाफ। दुख दर्शन की एक शाखा दुखवाद है, दूसरी शाखा उम्मीद की राह से गुजरती जिंदगी का नाम। 34वां खंड है, बस कुछ एक दो और सुनाएंगे उसके बाद। 34वां खंड, दुख को सुख में बदलने की कला सीखते हुए मैंने जाना दुख और सुख एक दूसरे के पूरक, और यह भी जाना कि आज का दुख कल का सुख। 35वां खंड, दुख क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं, दुख का कारण क्या है, क्या आकांक्षा दुख की जननी है, क्या आकांक्षा दुख की जननी है, दुख का संबंध कर्म से कैसा है। मैं इन सवालों का जवाब ढूंढ रहा था कि अचानक एक क्रिया टपकना आंसू, मतलब टपकना टपकता आंसू आत्मा से सट गया। आह, पेड़ फूल फल लगने से पहले कट गया। 36वां खंड है, अब जब दुख का वजूद संवेदना की उपस्थिति है, पीड़ा प्रसंग और शोक संदर्भ चर्या की चर्चा में है और देह के सुख को नए सिरे से देखा जा रहा है, तब दुख के नए आयाम समय के शब्द से ओझल कैसे हो सकते हैं। सृजनात्मकता से दुख का घनिष्ठ संबंध है ना, पुराना दुख आने वाले दुख के लिए सज्जी कर उसका सचेत करना मनुष्य के लिए परमार्थी होना, क्योंकि भाषा में वेदना वरदान, क्योंकि भाषा में वेदना वरदान। धन्यवाद साथियों, अब मैं चाहता हूं कि यहीं पर कार्यक्रम समाप्त किया जाए, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया है हमारे तरफ कुछ, और देख सकते हैं कि मैं छत पर ही था, मतलब अपने गांव में ही, यहां पर मतलब लाइट नहीं थी गांव में, तो हम सोचते कि छत पर ही मतलब कार्यक्रम
मैं जो जाते हैं इसीलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कीजिएगा। और कोई यदि हुई हो तो उसके लिए हमें माफ कीजिएगा। मैं पुनः एक बार साहित्यिक सुरकार मंच अंका जन सुरकार मंच का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय त्रिपथ प्रदर्शक शब्द शिक्षक देवेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया आप लोगों से जुड़ने के लिए। आप लोगों ने मुझे सुना, धैर्य से मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि मैं अपने में और सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।